दिवाली के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा रविवार तड़के अचानक टूट गया, जिससे उसमें काम कर रहे करीब 40 श्रमिक अंदर फंस गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हादसा सिलक्यारा की तरफ तड़के करीब 4 बजे हुआ, जब 4.5 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन सुरंग का लगभग 60 मीटर हिस्सा टूट गया। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्यों की कमान संभाली। टनल हादसे को 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। आइए सुनते हैं उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर उत्तरकाशी के सर्कल ऑफिसर प्रशांत कुमार का क्या कहना है। की प्रेजेंट स्थिति ये है कि हमारे कल उनसे संपर्क स्थापित हो गया था, जो अंदर मजदूर फंसे हैं, यहाँ पर एक पाइपलाइन है, उसके थ्रू हमने वॉकी टॉकी से इनको संपर्क करने की कोशिश की, तो हमें ये पता चला कि जो मलबा जो पैच है मलबे का वो लगभग 60 मीटर का है। उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सक्यूट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर आगे जाना बाकी। कब तक लग रहा सर ये चीजें हट जाएंगी, मलबा जो है और उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा? देखिए, वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है, हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू, ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। ये कितना समय लगेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है थोड़ा। देखिए, जो मलबा जैसे हम हटा रहे हैं तो ऊपर जो मलबा फंसा हुआ है वो नीचे गिर रहा है, जिस कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं साइड वे बना के ऊपर सॉलिडिफाई कर रहे हैं उसको, ताकि हमें थोड़ा पैच मिल जाए जिससे हम आगे जा रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी उनको निकाल लेंगे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, टनल में जिन राज्यों के मजदूर फंसे हैं उनमें 4 बिहार के, 2 उत्तराखंड के, 3 बंगाल के, 8 यूपी के, 5 उड़ीसा के, 15 झारखंड के, 2 असम के और 1 हिमाचल प्रदेश का श्रमिक शामिल हैं। टनल में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी के थ्रू संपर्क किया गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित हैं। टनल में पानी की आपूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। इसी पाइपलाइन के जरिए रात में कंप्रेसर के जरिए दबाव बनाकर टनल में फंसे मजदूरों तक चने के पैकेट भेजे गए हैं। आपको बता दें, यह टनल ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसकी लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर सुरंग का निर्माण हो चुका है। पहले इस टनल का कार्य 2023 में पूरा होना था, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी हो गई है। अब इसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।